महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला यूपी के बुलंदशहर से सामने आया है, जहां स्कूल में नाबालिग छात्रा से सहपाठी छात्र ने छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, मामले की शिकायत करने पर दबंग मनचले छात्र ने अपने साथी के साथ पीड़ित छात्रा के घर पर धावा बोल दिया और गाली गलौज और उठा ले जाने की धमकी दी। इतने पर भी मन नहीं भरा तो अगले दिन छात्रा के साथ फिर से मनचले छात्र ने बदसलूकी की और उठा ले जाने की धमकी दी। आहत हाई स्कूल के छात्र ने घर पहुंचकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव अजनारा में रोते बिलखते ये उसी नाबालिग छात्रा के परिजन हैं, जिसने कल छेड़छाड़ से परेशान होकर घर में फांसी लगाकर मौत को चुन लिया। दरअसल 15 वर्षीय कक्षा 10 की छात्रा क्षेत्र के किसान मजदूर इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। दो दिन पहले क्लास के अंदर सहपाठी छात्र ने छात्रा से छेड़छाड़ की और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसकी शिकायत छात्र ने स्कूल के प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल ने आरोपी छात्र को फटकार लगाई और छात्रा को उसके घर छोड़ गए। आरोप है, शाम को आरोपी छात्र अपने साथी के साथ छात्रा के घर पहुंचा और उसके साथ गाली गलौज की और घर से उठा ले जाने की धमकी दी। इंसाफ मिलना चाहिए, उनको गिरफ्तार करो अभी। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानवीर चौधरी है। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना हुई है कि हमारी बहन स्कूल में पढ़ने जाती थी, 10वीं क्लास में पढ़ती थी, 15 साल उसकी लगभग आयु थी। स्कूल की क्लास के लड़के ने उसके साथ छेड़छाड़ करी, बदतमीजी करी। उसने अपने जो स्कूल के टीचर हैं उनसे उसकी शिकायत की, लेकिन टीचर ने कोई लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे हमारी बहन संतुष्ट हो पाती। और शाम को वो लड़का अपने भाई, चाचा ताऊ और करीब 10-15, कुल मिला के 15 लोग होंगे, वो यहाँ हमारे घर पे आ गए और हमारे यहाँ घर पे आके उन्होंने बदतमीजी करी, गाली गलौज करी और उन्होंने हमारी बहन को उठाने की धमकी दी कि हम इसे उठा ले जाएंगे। शराब पिए हुए थे वे लोग और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपके बेटे को मार देंगे, लड़की के भाई को मारने की भी, जान से मारने की भी धमकी उन लोगों ने दी। अगले दिन फिर स्कूल गई है हमारी बहन, तो वहाँ फिर उस लड़के ने बदतमीजी किया कि तू मेरा शिकायत करके कुछ नहीं उखाड़ पाई, कुछ नहीं कर पाई, मैं तुझे कभी भी उठवा लूँगा और मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे घर वाले कुछ नहीं कर सकते, हम तेरे घर वालों को तेरे घर में आके धमका गए। इन सब बातों से मेरी बहन ने अपनी बेइज्जती महसूस की, अपने आप को आहत महसूस किया। अभी हमारे देश में इस समय नवरात्रों का त्यौहार चल रहा है। एक तरफ नवरात्रों के त्यौहार में हम कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान है, एक महिला जो देवी के रूप में महिलाओं को हम पूजते हैं और केंद्र और प्रदेश सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान चलाती है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व गुंडों की वजह से वो सरकार की भी जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और ना हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित कर पा रहे हैं। तो पुलिस के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई है? पुलिस के द्वारा अभी तक हमारी, हमने जो FIR दी थी, हमारी हमने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दी थी वो दर्ज कर ली गई है, FIR की कॉपी हमें दे दी है, लेकिन अभी तक अभियुक्तगण की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हो, उन्हें जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, हमारी बहन को न्याय मिले। 15 साल उसकी उम्र थी और उसने इतना घातक कदम उठाया, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित होगी। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम जितेंद्र है, मैं ग्राम अजनारा का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई आपकी बिटिया गाँव? मेरी बिटिया गाँव गई, किसान मजदूर जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी। उसने परसों ग्राम जखेता के लड़के ने स्कूल में क्लास में उससे बदतमीजी की, अश्लील शब्द बोले। उसने उसकी शिकायत स्कूल के टीचर से की, महकार सिंह से, जो प्रिंसिपल के भी पद पर रह चुके हैं। उन्होंने लड़के को धमका के और मेरी बेटी को मेरे घर ले आई। जब बेटी घर पर आ गई, मैंने पूछा तो लड़की ने मुझे बताया। मैंने उनसे पूछा कौन लड़के थे, कैसे हैं, क्या हैं। उन्होंने बोला मैं अपने स्तर से बात को ख़त्म कर लूँगा। उसके बाद शाम को जखेता के कुछ लड़के मेरे घर में आ गए, 15 लड़के करीब थे। उन्होंने आके मेरे घर में बदतमीजी की, वो लड़का साथ में था जो उनको लेके आया था।
गाली गलौज की या बदतमीजी की और उठा के ले जाने की धमकी दी। उसके बाद दूसरे दिन लड़की मेरी स्कूल गई, जो टीचर था वो जखेता का ही है और वो उन्हीं की फेवर अब जखेता के ही लड़के की ले रहा था। मैंने टीचर से बात की, उनको बताया कि अगर ये बदतमीजी करता है तो इसकी टीसी काट दो, लेकिन उन्होंने टीसी उसकी नहीं काटी। उसके बाद कल मेरी बेटी फिर स्कूल गई, स्कूल जाने पर उसने मेरी बेटी को फिर अश्लील शब्द और बदतमीजी की, उससे डराया धमकाया और उसकी उसके बाद वो घर आ गई लड़की। और घर आने पे हम पास में ही कमरे में लेट रहे थे, दोपहर को आई बात की, वो दूसरे कमरे में जाकर लेट गई और उसने जो हमें वो गाटर पर लटकी मिली। पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने हमारी FIR दर्ज कर लिया। अभी तक किसी को गिरफ्तार किया गया है? नहीं, अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है किसी की गिरफ्तारी। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं।